हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं मेथड प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। आज इस टॉपिक के अंदर अपन जो डाइहाइड्रिक है उसका निर्माण किससे होता है, कौन कौन से अभिक्रियाएँ इसमें भाग लेंगी, किसके द्वारा डाइहाइड्रिक है वो तैयार होता है, किस तरह का तैयार होता है, अपन यहाँ पर उसके लिए रिलेटेड जो मेथड प्रिपरेशन है वो पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मेथड प्रिपरेशन के अंदर मैंने जो रिएक्शंस है वो लिख रखी हैं, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट जो लिखी हुई है उसकी बात करें तो हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ एल्किन्स, कि जो एल्किन है उनका अपन ने आपका हाइड्रोक्सिलीकरण करवा दिया उसके द्वारा। फिर बात करते हैं डाइब्रोम एल्केन की, भाई जो है यहाँ पर भी जो एल्किन्स है वो डाइब्रोम एल्केन के साथ क्या करेंगी, अभिक्रिया करेंगी और उसके द्वारा भी क्या बनाएंगी, आपका अलग अलग तरह का अल्कोहल बनाएंगी। थर्ड बात करें बाई डाइब्रोमो एल्केन एंड पोटेशियम एसीटेट, यहाँ पर देखिए डाइब्रोमो एल्केन और पोटेशियम एसीटेट है वो रिएक्शन करेंगे और उसके द्वारा आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल बनेगा। फोर्थ बात करें बाई इपोक्साइड की, भी इपोक्साइड है वो रिंग चेन टूटेगी और उसके फलस्वरूप उसके साथ अब KOH की अभिक्रिया है, H2O की है, तो वो क्या करेंगी इसके साथ अभिक्रिया करेंगी और इसके द्वारा भी क्या किया जाएगा, आपके डाइहाइड्रिक अल्कोहल है उसका फॉर्मेशन किया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें बाई एल्किन्स की, भी एल्किन्स भी क्या कर रही हैं, इपोक्साइड का फॉर्मेशन कर रही हैं, तो ये रिएक्शन कौन से कहलाएगी, आपके बाई इपोक्साइड। तो ये जो आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो अपन जो है वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन इसमें हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ एल्किन्स। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि भी हाइड्रोक्सीलेशन का मतलब क्या होता है। हाइड्रोक्सीलेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या है, KOH है वो क्या कर रहा है आपका, या H2O कह दें, वो क्या कर रहा है आपके एल्किन के साथ जुड़ रहा है। अब अभिक्रिया की अपन यहाँ पर बात करें तो जो हाइड्रोक्साइड है उसी का जुड़ना हाइड्रोक्सीलेशन कहलाता है। जनरली आपके जो हाइड्रोक्सीलेशन दे रखा है ये तीन टाइप से दे रखा है, यहाँ पर अपन तीन तरह की अभिक्रियाँ हैं इसके अंदर डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसमें अपन अभिक्रियाओं की अपन बात करेंगे। देखिए हाइड्रोक्सीलेशन जनरली अपने को ये तो पता चल ही गया, अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जो फर्स्ट यहाँ पर अपन हाइड्रोक्सीलेशन जो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, इसमें बताया गया है कि जनरली आपका जो KMnO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है, खास कर कैसा न्यूट्रल सॉल्यूशन आपका KMnO4 का, या कह दें कि 1% जो बेसिक सॉल्यूशन है या 1% जो आपका क्षारीय विलयन है उसकी अभिक्रिया अगर एल्कीन के साथ कराते हैं तो उसके द्वारा आपका डाइओल है उसका निर्माण होता है। देखिए डाइहाइड्रिक है तो डाइओल इसमें आपके कंपाउंड के अंदर आएगा। अब क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो मैंने अभी बताया कि 1% KMnO4 विलयन या सॉरी 1% क्षारीय विलयन जो बताया, तो क्या बताया गया है कि जब 1% क्षारीय KMnO4 का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो इसे आपका जो बेयर रिएजेंट है इसको क्या बोला जाता है, बेयर रिएजेंट, कौन सा, 1% बेसिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 कि KMnO4 का जो आपके 1% क्षारीय जो विलयन होगा वो आपका किस नाम से जाना जाता है, बियर रिएजेंट के साथ। जनरली ये क्या होता है आपका बैंगनी रंग का होता है, कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। जब ये आपकी एल्किन के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, कलर लेस के अंदर चेंज हो जाता है, मतलब रंगहीन हो जाता है। अब देखिए ये जो अभिक्रिया है ये जनरली किसके लिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एल्किन के साथ पढ़ रहे हैं, तो क्या बताएंगे ये जो अभिक्रियाएँ हैं
अनसेचुरेटेड रिएक्शंस के नाम से भी जानी जाती हैं, या यूँ कह सकते हैं कि अनसेचुरेट जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये उनके लिए अभिक्रियाएं हैं। अब देखिए अपन यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ बताइए अपन ने कि एल्किन है, वो किसके साथ रिएक्शन करेगी? KMnO4 / KOH हाइड्रोक्सिलेशन इसी से कहेंगे, या फिर इसकी जगह आपको एक चीज और मिल जाए, इसे ये चीज भी लिखी हुई हो सकती है। अब इसका क्या करवा रहे हैं अपन? हाइड्रोक्सीलेशन। तो यहां पर देखिए अब इसकी जगह क्या है, यहां पर इसके साथ कौन सा ग्रुप आके जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। सबसे पहले क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन किसके साथ व्यवस्थित है? मैग्नीज के साथ। सारे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होने, सॉरी ये यहाँ पर आपका पोटेशियम और यहाँ पर आपकी एक ऑक्सीजन। यहाँ पर इस तरह से क्या बनता है आपका, यहाँ पर एक चक्रीय कंपाउंड है वो यहाँ पर बन जाता है। कौन सा बनता है? चक्रीय कंपाउंड। अब इसका क्या करवा दिया अपन ने? वापिस हाइड्रोलाइसिस। क्या करवा दिया इसका? हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, ये वाला ग्रुप बाहर, दो हाइड्रोजन इसके साथ, तो इसके द्वारा क्या बन जाएगा? अब देखिए क्या बताया गया है कि इस अभिक्रिया में जो आपका आपके डाइओल तैयार होता है, जनरली ये सिस 1-2 डाइओल बनता है। यहाँ पर सिस कंडीशन वाला आपका डाइओल है, उसका फॉर्मेशन होता है, उसका निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर अभिक्रिया लेते हैं। देखिए मैं अभिक्रिया के अंदर ये सारा दिखाऊं ये भी ठीक है, लेकिन मैं इसको एक दूसरे तरीके से शो करता हूँ। देखिए किस तरह से यहाँ पर मैंने लिया है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 आपका एथीन, अभिक्रिया करा दी KMnO4 इसके साथ, ठीक है। जैसे ही रिएक्शन होगी आपका ये वाला बनेगा। अब मैंने इसको सीधा ही डायरेक्ट इसका हाइड्रोलाइसिस सीधा दिखाया, तो यहाँ पर इसके द्वारा ये आपका बन जाता है, इसे बोला जाता है आपका सिस 1-2 एथेन डाइओल, या फिर इसको अपन अगर दूसरे तरीके से लिखें तो इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिस एथेन। अब देखिए 1-2 तो 1-2 डाइओल, सिस एथेन 1-2 डाइओल, या फिर सिस 1-2 एथेन डाइओल। तो यहाँ पर इसको अपन इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये थी आपके फर्स्ट जो हाइड्रोक्सिलेशन की रिएक्शन। यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर कई बार हैं वो बेयर रिएजेंट के बारे में बहुत बार पूछा गया कि बेयर रिएजेंट है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो KMnO4 का 1% बेसिक सॉल्यूशन जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? बेयर रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। क्या बताएं? किसके नाम से जाना जाएगा? बेयर रिएजेंट के नाम। अब देखिए सेकंड इसके अंदर जो रिएक्शंस हैं उसके अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके दिया है कि आपका जो ऑस्मियम ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया क्या की जाती है? आपके एथीन के साथ की जाती है। तो इसके साथ जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर भी इसके द्वारा, जैसे यहाँ पर मध्यवर्ती के अंदर अलग अलग कंपाउंड बन रहे थे ना, उसी की तरह यहाँ बनता है और लास्ट में इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस के द्वारा आपका क्या बन जाता है? इसके अंदर डाइओल बन जाता है।
ठीक है। अब इसमें दूसरी रिएक्शन है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑस्मियम ऑक्साइड चक्रीय यौगिक का निर्माण करेगा और इसके द्वारा जो है अपन लास्ट में इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइसल्फाइड इसकी उपस्थिति में अगर रिएक्शन कराते हैं तो इसके द्वारा ये हाइड्रोलाइसिस द्वारा अपघटित होकर आपका क्या बना देता है, आपका एल्कोहल बना देता है। किस तरह से बनाएगा, इधर देखिए CH3 CS डबल बोन CH2, ठीक है। आप इसको सीधी चेन के रूप में भी लिख सकते हैं, किसके साथ रिएक्शन करानी है, ऑस्मियम ऑक्साइड के साथ। इसका नाम क्या है, ऑस्मियम ऑक्साइड। अब अपन ने इसके साथ रिएक्शन कराई CH3 CH। अब देखिए यहाँ पर आगे जो कंपाउंड जुड़ेगा वो ध्यान रखना आपको, तो बस बेसिकली ये आपका CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका ऑस्मियम जुड़ गया। यहाँ पर जो खास चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अब जो ऑक्सीजन दोनों जुड़ रही हैं वो कैसी हैं, डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगी। अब अपन ने इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO4, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो है अपन इसका हाइड्रोलाइसिस भी कराएंगे, तो इसका क्या कर देंगे, H2 द्वारा हाइड्रोलाइसिस। तो इसके द्वारा आपका बन जाएगा CH3 CH OH CH2 OH, क्या बन जाता है आपका OH। यहाँ पर भी जो ये बना है ये सिस, अब देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर अपन सीधा लिख सकते हैं सिस प्रोपेन 1 2 डाइऑल। कौन सी कंडीशन पर आपका OH उपस्थित है, 1 2, तो यहाँ से ठीक है, तो ये स्टार्ट कर, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है सिस प्रोपेन 1 2 डाइऑल या फिर सिस 1 2 प्रोपेन डाइऑल भी इसका नाम लिखा जा सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर इससे रिलेटेड ध्यान रखना है। अब देखिए बात करते हैं इसी से रिलेटेड तीसरी अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है आपके पर बेंजोइक अम्ल कह दें या पर ऑक्सी अम्ल कह दें या पर अम्ल के रूप में यहाँ पर है वो कंपाउंड यूज किया जाएगा। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं तीसरी अभिक्रिया कि अम्ल के साथ क्या करेंगे, ये अभिक्रिया करके ये भी क्या बनाएंगे, आपका डाइओल का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं जो भी अभिक्रिया लिख रहा हूँ जनरली किसकी हाइड्रोक्सिलेशन से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्किन से ही चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान रखना है। थर्ड रिएक्शन अपने किसके साथ है, पर अम्ल के साथ, तो यहाँ पर अम्ल एल्किन के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, आपका ऑक्सीरेन बना देता है। अब ऑक्सीरेन अपने को पहले से पता है कि ये क्या है, एक तरह की इपोक्साइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर बनाता है वापस ऑक्सीरेन, क्या करेगा आपके जल अम्ल के जो जलीय विलयन है उसके साथ अभिक्रिया करेगा और या फिर अपन के क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा आपका, वापस आपका डाइओल बनाएगा। अब देखिए किस तरह से होंगे, तो यहाँ पर अब अपनी वो रिएक्शन दिखानी है किसके साथ, तो C6H5CO3H, इसको बोला जाता है पर बेंजोइक अम्ल, ठीक है, पर बेंजोइक अम्ल है, इसके साथ क्या करवा दी, अभिक्रिया करा दी, तो इसके द्वारा क्या बना दिया जाएगा, CH2 CH2 OO, ये आपका क्या बन जाता है, यहाँ पर ऑक्सीरेन बन जाता है, ठीक है। या फिर अपन इसको इसको इस तरह से ना दिखा कर अपन इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, सिर्फ क्या है कि अपन यहाँ पर इसकी इस सिचुएशन को ही दिखा दें, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से,
अब इसका वापस क्या करवा दिया अपन ने, हाइड्रोलाइसिस करा दिया। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होता है इसके द्वारा आपका क्या बन जाता है, 1,2-diol तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो 1,2-diol इसके द्वारा तैयार होता है जनरली ये कैसा होगा, ट्रांस टाइप का, ट्रांस 1,2-diol बने। ध्यान रखना ये खास बात है, इससे पहले जो रिएक्शन पढ़ रहे थे उनमें अपन ने देखा सिस टाइप के बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपका ट्रांस टाइप का इसमें बनेगा। अब इसके लिए अब देखिए अपन इसको अगर पर फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति में अगर करवाते हैं अभिक्रिया, जैसे है अपन उसके साथ अभिक्रिया करवाई तो उसके द्वारा भी क्या किया जाएगा, आपके ये जो एल्कोहल है वो बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पर अपन बात करें RCH(CH2), इसकी रिएक्शन अपन ने किसके साथ करवा दी, आपका इसके साथ एक HCO3 है ना, इसके साथ रिएक्शन करा दी। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन होगी, इसके साथ। तो यहाँ पर देखिए अब ये क्या करेगा कि एल्किन वाला ग्रुप है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो RCHOH CH2OH क्या बन जाएगा, आपका ट्रांस टाइप का। अब यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, CH3CH(CH2) रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर CH3CHOH CH2OH बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट ये देखिए ये आपकी जो थर्ड रिएक्शन है ये इसमें इस तरह से क्या करेगी, ये आपका डायोल बना देगी। अब ये ट्रांस टाइप का है तो यहाँ पर वही नाम है, सिर्फ सिस की जगह आपको ट्रांस लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा C=1,2-propane-diol, या फिर आप किसी तरह से इसी में प्रोपेन पहले लिखकर 1,2-diol भी लिख सकते हैं। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है बनाते रहें। और इसकी जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसमें अपन ने डाइब्रोमोएल्केन के साथ देखनी है, डाइब्रोमोएल्केन और पोटेशियम एसीटेट बाई इपोक्साइड और बाई एल्किन के साथ अपने देखें, तो ये जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।